अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं, ट्रेड का चौका। जतिन, क्या ट्रेडिंग आइडियाज रहेंगे आपके आज के लिए? देखिए, हम दो ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए हैं। पहला जो ट्रेडिंग आइडिया है वो सीमेंट पैक में होगा, डालमिया भारत। तो हमें लगता है कि डालमिया भारत में 3 दिनों का एक कंसोलिडेशन हो गया है। एक रनअप के बाद आर्ली चार्ट्स पे एक 5 वेव एडवांस था, बाद में 3 दिनों का कंसोलिडेशन था। हमें लगता है कि कंसोलिडेशन आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, तो डालमिया भारत में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1824 का और टारगेट रहेंगे 1935 के। जो दूसरा पिक होगा वो भारत फोर्ज में होगा। तो भारत फोर्ज में हमने देखा है कि एक शार्प करेक्शन देखा हुआ है और अपने 40-डे एवरेज के सपोर्ट पे आ गया है, और हमें लगता है कि एक रिट्रेसमेंट के लिए खेलना है या तो पुल बैक के लिए खेलना है। एक फॉल के बाद एक टेक्निकल बाउंस बैक हमें एक्सपेक्टेड है ये स्टॉक में, तो एक लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस रहेगा 1650 का और टारगेट रहेंगे 1725 के। ठीक है, तो भारत फोर्ज 1725 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस 1650 का लगाइए, ये पसंद आता हुआ इस वक्त जतिन जी को। राहुल भी जुड़ चुके हैं, अपना समय निकालकर ईटीना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। राहुल, सबसे पहले ट्रेड का चौका सेगमेंट के लिए आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे? नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो दो आइडिया मेरी तरफ से, दोनों लॉन्ग साइड पे, दोनों स्टॉक्स ऑल टाइम हाई के करीब या एक ब्रेकआउट दिखाता हुआ है। बेग योर पार्डन, एक है एनटीपीसी और दूसरा है ग्रासिम। तो पहले एनटीपीसी का बात करें तो 173 पे बाय करना चाहिए या 373 के ऊपर, करंटली 375 पे चल रहा है, बाय कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। स्टॉप लॉस होगा 365 और टारगेट यहाँ पे होगा 388। दूसरा स्टॉक है ग्रासिम भी करंट मार्केट प्राइस पे हम लोग बाय कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस होगा 2690 का और टारगेट होगा 2850 का। तो एनटीपीसी और ग्रासिम पे लॉन्ग साइड पे। बिल्कुल, तो ये दोनों स्टॉक्स पर राय आपकी तरफ से। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेक्टर्स और स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं। हमने बैंकिंग शेयरों की तो बात की, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की भी बात की, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर भी फोकस करते हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक को देखें तो हरे निशान में है, करीब 1% की तेजी पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर दिखाई दे रही है। और उसमें कुछ टॉप गेनर्स की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया में करीब 1.5 से 2% की तेजी है, SBI और यूको बैंक के तो ऑपरेशनल अपडेट्स भी आए थे, दोनों ही स्टॉक्स में भी 1 से 1.5% की तेजी दिखी है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कमजोरी है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के आज के स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर काफी अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। राहुल, तीनों ही स्टॉक्स पर आपकी क्या राय रहेगी, बैंक ऑफ इंडिया, SBI और यूको बैंक, जो टॉप 3 गेनर्स है पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में? सो स्पेसिफिकली अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करेंगे ना, आप नोटिस करेंगे कि जो फॉल आया था इलेक्शन के दिन, उसके बाद ये पूरी तरह से रिबाउंड नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स आप नोटिस करेंगे पूरी तरह से रिबाउंड हुआ है, बट ये स्पेसिफिक पीएसयू बैंक्स का जो सेक्टर है ठीक से रिबाउंड नहीं कर पाया। आपने जो लिस्ट भेजा था उसमें से SBI हमारा प्रिफर्ड पिक रहेगा, बट वो भी 860 के ऊपर, अभी 850 पे स्टॉक चल रहा है, तो 1.2% वेट करना चाहिए। और 860 के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग दिखता है वहां पे आप लॉन्ग जा सकते हैं और स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 830-835 उस रेंज में। ठीक है, तो ये नजरिया इन तमाम स्टॉक पे। चलिए जतिन, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज जो तमाम खबरें आईं, और देखिए हमने राहुल जी के पिक में भी एनटीपीसी को देखा, क्रूड का भाव अब 3 महीने के उच्चतम शिखर पे है और उसकी वजह से हम ऑयल एंड गैस शेयरों में, एक्सप्लोरेशन शेयरों में हम एक तरह की रफ्तार देख रहे हैं। रिलायंस भी देखिए आज 1.25% ऊपर और लगातार जो है वो 3150 के अहम लेवल के पास बना हुआ है। ONGC में हम देख रहे हैं कि लगभग 3.5% तक का उछाल नज़र आया है, थोड़े वक्त पहले तक 4% ऊपर था। इसके अलावा हम देखें BPCL, पावर ग्रिड, IOC, ये सभी आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। टाटा पावर को भी इसमें जोड़ लेते हैं। बताइए यहाँ पर कोई पिक आपको पसंद आ रही हो, ये जो खबर है
इसका जो इम्पैक्ट नजर आ रहा है और जिस तरह से ये तेजी बनी हुई है, इस तेजी के ट्रेंड में कहाँ सवारी की जाए? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो भी आपने स्टॉक्स के नाम लिए उसमें से हमारी जो प्रीफर्ड पिक होगी वो ओएनजीसी होगी, क्योंकि ओएनजीसी एक थोड़ा लैगार्ड रहा है और हमें लगता है कि टेक्निकली भी एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें इसमें देखने मिल रहा है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं जो अंडर परफॉर्मेंस ओएनजीसी ने दिखाई वो शायद अभी आउट परफॉर्मेंस में तब्दील हो सकती है और एक शार्प रन अप हमें अराउंड 300 के लेवल्स तक हमें देखने मिल सकता है। इसके लिए हमें लगता है कि ये जो क्रूड का अपमूव आया है उसमें ओएनजीसी में एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड भी है और एक फ्रेश ब्रेकआउट भी हमें देखने मिल रहा है। तो ओएनजीसी में लॉन्ग करने की सलाह रह सकती है और करंट स्तरों पे भी किसको अगर जो बाय करना है तो अराउंड 281 का एक स्टॉप लॉस लगा के फ्रेश लॉन्ग पोजिशन लिया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 300 ऑन दी अपसाइड। ठीक है, तो ONGC पसंद आता हुआ जतिन जी को, राहुल जी मैं आपके पास आना चाहूंगा दो स्टॉक्स के साथ। एक तो कॉनकॉर को जरा एक बार देखते हैं। आज हम देख रहे हैं लगभग 3% ऊपर कॉनकॉर नजर आता हुआ, अच्छे वॉल्यूम में ट्रेड कर रहा है कॉनकॉर। वहीं अगर मैं बात करूं नैलको की, तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि 2.25% की तेजी नजर आ रही है, इस वक्त 200 के करीब जाता हुआ। नैलको और कॉनकॉर, इन दोनों पर जरा अपना नजरिया दीजिए। तो स्पेसिफिकली दो स्टॉक्स कॉनकॉर और नैल्को से हमारा प्रेफर्ड पिक नैल्को रहेगा। आप नैल्को नोटिस करेंगे एक अच्छा अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल से ट्रेड कर रहा है इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद, और आज एक अच्छा जैसे आपने अभी फरमाया कि 2.5% ऊपर है, बुलिश ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो इसमें हम लॉन्ग कर सकते हैं अज्यूमिंग कि ये जो मूव सस्टेन हो, दैट इज अगर प्राइस 200 या 199 या 200 के ऊपर क्लोज होता है, देन मंडे के दिन अगर 200 के ऊपर ओपन होता है आप लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा 196 पे। जैसे मैंने कहा स्ट्रक्चर वाइज नैलको बेहतरीन लग रहा है एज कंपेयर टू कॉनकॉर। चलिए, बजाज की पहली सीएनजी बाइक का लॉन्च हो रहा है, सीधा आपको उस इवेंट में लिए चलते हैं। जी हाँ, ऑटो दुनिया की एक बड़ी हलचल है क्योंकि बजाज ऑटो ने पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है, दुनिया की पहली सीएनजी बाइक है। अब देखना होगा किस तरह के फीचर्स हैं। बहुत सारे लोगों की जो तमाम बातें हैं वो सामने आ रही हैं, बहुत सारे लोगों के मन में इस बाइक को लेकर बहुत सारी जिज्ञासा होगी, उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन जो शुरुआती जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि इसकी कीमत 90,000 तक हो सकती है, और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी इस लॉन्च में शामिल हो रहे हैं, तो इस पर भी हमारी निगाह बनी रहेगी।